बनाने जा रही हूँ चिकन मोमोज। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी पहले की तरह मैं ये भी रेसिपी शेयर करूँ और आपको दिखा सकूँ कि कितनी आसान तरीके से आप घर पे मोमोज बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोमोज बनाना। तो मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक डो को तैयार कर लेती हूँ, जो उसका बेस होता है, पहले उसको कर लेते हैं फिर आगे की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप मैदा लिया है। अब मैं इसमें एक चम्मच ऑयल डालूंगी और नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर पानी से इसको गूंद लेंगे और अच्छा डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो बनाएंगे, गूंदेंगे इसे। तो हमें जिस तरह का डो चाहिए था तो उस तरह का बिल्कुल गूंद गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, हल्का सा तेल डालेंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो अब हम इसे अब हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने चिकन लिया है बिना बोन वाला। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे एक जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे हम पीस लेंगे बिना पानी के। चिकन मेरा पीस गया है। अब मैंने काटे थे, एक मैंने हरी मिर्ची काटी है महीन महीन बारीक, हरी धनिया, एक छोटी सी एक प्याज लिए एकदम महीन महीन, और ये लहसुन लिए हैं 3 या 4, और ये अदरक ली है थोड़ी सी, और सबको हमने एकदम महीन महीन बारीक बारीक पीस लेना है और हमें इसमें डाल देना है। अगर आपके पास ग्रीन वाली प्याज हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास थी नहीं तो इसलिए मैंने ली नहीं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच विनेगर, आपके पास नींबू हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच हमने वो ऐड किया है। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच सोया सॉस। इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने डो में भी नमक डाला था और हम इसमें भी नमक डाल रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा नमक थोड़ा कम ही डालिएगा। अब हम अच्छे से सबको आपस में मिक्स कर देंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, हम देखते हैं कि ये हमारा डो कैसा है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट है, जैसे हमें चाहिए बिल्कुल हमें ये वैसा ही है। तो चलिए इसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। हमें ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं मोमोज। तो इस तरह से हमें एक ऐसे दिखनी होगी, इतनी बड़ी बड़ी लोई हमें को बना लेना है। तो मैंने ये सारी लोई बना ली है। अब हमें चाहिए होगा एक बेलन पटरा और हमें थोड़ा सा मैदा चाहिए होगा अलग। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बेलेंगे। तो ये मैंने बेल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये बनाया था चिकन वो हम इसके बीच में डालेंगे। और फिर हम इसके किनारे किनारे पानी लगाएंगे। ऐसे करने के बाद फिर हम ये यहाँ से इसको उठाएंगे
इस तरह से आप मोमोज बना लेंगे। ये देखिए, अब मैं इसी तरह से सारे मोमोज बना लेती हूँ। अब आपको मैं एक और तरीके से बताती हूँ। एक तो मेरा ये वाला हो गया, एक अभी हम और बताते हैं आपको। एक मैं आपको बता रही हूँ दूसरे शेप में, अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इसे फिर से पानी लगाना है और फिर हमें इसको ऐसे कर देना है। और फिर हमें इसको ऐसे उठाना है और फिर पानी लगाना है हल्का हल्का और फिर हमें इसको ऐसे चिपका देना है। ये देखिए, एक ये शेप हो गया। अब आपको जूसा शेप पसंद हो आप वैसे बना सकती हैं। तो मैं चलिए इसी तरह से सारे बना लेती हूँ। तो देखिए देखिए मोमोज बना दिए है और मैंने स्टीमर में पानी चढ़ा दिया गर्म होने के। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने से थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें ऑयल लगा देंगे। अगर आपके पास इस तरह से स्टीमर नहीं है तो आप परेशान ना होइए, आप गैस पे भी बना सकते हैं। बस इस तरह से आपके पास जाली होगी तो आप क्या करेंगे, पानी एक उसमें भर लेंगे और उस पर इसको जो है रख देंगे तो ये हो जाएगी स्टीम। इस तरह से अब मैं ये सब इस पे रख दूंगी। और इस पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब हम इसे उसमें रख देंगे। अब हम इसमें रख देंगे। पानी देखिए मेरा हीट हो गया। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब ये जब तक 10 मिनट के लिए होती है तब तक हम मोमोज चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मोमोज चटनी बनाने के लिए हमें 2 टमाटर चाहिए होंगे। अब मैं इसको काट के और इसको पानी में बॉईल कर लूँगी क्योंकि हमें इसका छिलका उतारना है। तो हम इस तरह से इसको काटेंगे। आपको ज़्यादा चटनी बनानी है तो आप ज़्यादा टमाटर ले सकते हैं, मैं कमी बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं। क्या करेंगे, इसको यहाँ से हल्का सा कट लगा देंगे कि हमें छिलका छीलने में आसानी हो। अब हम गैस ऑन करेंगे और पानी चढ़ा देंगे और इसको टमाटर को उसी में डाल देंगे। तो मैंने टमाटर को पानी में उबाल लिया है, अब हम इसे ठंडे पानी में डाल देंगे। अब हम इसे छील लेंगे। देखिए ये अच्छे से हो गए, ये छील लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको मिक्सर में पीस लेना है। मैंने टमाटर डाल दिया है, अब मैं इसमें डालूंगी ये लहसुन 4, 2 हरी मिर्चें, 1/2 चम्मच नींबू का रस, 1/2 चम्मच डालेंगे सोया सॉस, 1/2 चम्मच सोया सॉस, नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, 1/2 चम्मच चीनी डाल देंगे, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। अब हम इसे पीस लेंगे बिना पानी के। ये देखिए मेरी चटनी बनके हो गई है तैयार। तो 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए देख लेते हैं मोमोज हुए कि नहीं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये बनके तैयार हो गए मेरे मोमोज। देखिए कितने इजी तरीके से आप घर पे बना सकती हैं।
तो मेरी आज की अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नई और अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।